से स्विच वाले क्वेश्चन को कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ स्विच एस वन एंड 180 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड बाय अ कैपेसिटर ऑफ सम कैपेसिटेंस. दिस इज सी वन कैपेसिटर ए. दिस इज अगेन अ बैटरी, सॉरी दिस इज अगेन अ कैपेसिटर बी सी एंड इसकी कैपेसिटी इज गिवन एज 2 माइक्रोफेरेड इंक्लूडिंग डायलैक्ट्रिक ऑफ कॉन्स्टेंट 2. डायलैक्ट्रिक डालने के बाद इसकी कैपेसिटी गिवन है 2. इसकी कैपेसिटी इज गिवन एज 3 माइक्रोफेरेड और इसकी कैपेसिटी इज गिवन एज 6 माइक्रोफेरेड. ठीक, तीनों की कैपेसिटी डिफरेंट है. ठीक, और यहां पर स्विच एस वन है और यहां पर स्विच एस टू है. तो सी वन इज 2 माइक्रोफेरेड इंक्लूडिंग डायलैक्ट्रिक ऑफ कॉन्स्टेंट 2 एंड यहां कैपेसिटेंस कितनी है 3, यहां कैपेसिटेंस कितनी है 6. इन दोनों में कोई डायलैक्ट्रिक नहीं है. गिवन डायग्राम समझ में आ गया सबको. पहला क्वेश्चन, मैंने स्विच S1 को क्लोज किया, S2 को ओपन रखा. ठीक, S1 को क्लोज किया, S2 ओपन रखा. अब ये कैपेसिटर इस बैटरी से क्या लेगा? चार्ज लेगा. चार्ज मीन्स एनर्जी लेगा. तो व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी? कितना? फॉर्मूला क्या लगाया? हाफ सी वी स्क्वायर. कितने लोग एग्री करते हैं? अच्छा, फिर क्या लगेगा? हाफ सी वी स्क्वायर. फॉर्मूला क्या लगेगा? सी वी स्क्वायर. मैंने पूछा व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी. मैंने ये नहीं पूछा व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, आपको याद होगा जब हमने थ्योरी की थी वो क्या होता था? क्यू इन टू वी. और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होता था? क्यू इन टू वी, हाफ हो जाता था. तो हमने डिस्कस किया था कि कैपेसिटर आधी एनर्जी ही स्टोर कर पाएगा, हाफ ऑफ द एनर्जी बैटरी की क्या हो जाती है? खराब हो जाती है. तो उसने जान के क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी. तो व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी में अगर फॉर्मूला, जैसे कैपेसिटर का सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सी वी स्क्वायर. लेकिन यहां पर बैटरी की एनर्जी क्या होगी? सी वी स्क्वायर. तो आपका आंसर हाफ के साथ नहीं आएगा क्योंकि बैटरी तो पूरी एनर्जी सप्लाई करती है. हाँ, वो अलग बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर में यहां पर क्या आएगा? हाफ आएगा. समझ में आ रहा है यहां तक? तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने अब स्विच S1 को ओपन कर दिया फिर से. तो ऑब्वियस है, स्विच जब क्लोज था तो इसने चार्ज लिया. कितना चार्ज लिया? Q इज इक्वल टू सी इन टू वी. इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 360 माइक्रोकूलम. तो 360 माइक्रोकूलम चार्ज ले लिया इसने. मैंने स्विच को ओपन कर दिया, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई. अब मैंने स्विच S2 को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया. अब चार्ज किसके पास है? A के पास. वो चार्ज किसको देगा? B एंड C को देगा. तो क्वेश्चन है, B और C के ऊपर बताओ कितना चार्ज है? शेयर करेगा ना चार्ज. तो ये इसे क्या करेगा? चार्ज देगा. और कितना चार्ज देगा B और C पे? अब A B C पे कितना चार्ज आएगा ये क्वेश्चन है.
कितने लोग अपने मन में ये सोच रहे हैं कि अब ये तीनों तो सीरीज में हो गए, क्यों सीरीज नहीं हो गया, एक के साथ एक के साथ एक हो गया एकदम, बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो गई ना, ये डायग्राम क्या ड्रॉ करना, हटा रहा हूं मैं इसे, छोड़ दो, ये तो चाहिए नहीं, अब स्विच जब क्लोज ही नहीं किया तो खत्म हो गया डायग्राम, तो ये बच गया ना। तो कितने लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो सीरीज में, तो चार्ज की वैल्यू विल रिमेन सेम, मन में पॉइंट तो आता ही है, तो चार्ज अगर इसके ऊपर कितने 360, तो इसके ऊपर भी 360, इसके ऊपर भी 360, नहीं मन में आता तो है लेकिन वो आंसर अंदर से वो फीलिंग नहीं आती कि आंसर होगा, क्यों नहीं होगा, 180। ओके कैसे किया, बिल्कुल ठीक, पहला मेथड आप इनको एक कैपेसिटर बना लो, पर इस चीज का आंसर तो दो कि तीन कैपेसिटर सीरीज में क्यों नहीं लिए, क्योंकि है तो एक ही लूप के अंदर, इसका आंसर ये है, मान लो मेरे पास मेरी कैपेसिटी जो है वो C1 है, मेरे पास चार्ज कितने हैं 360 माइक्रोकूलम है, मेरे साथ आप लोग अटैच हो गए, मैं आपको चार्ज देना चाहता हूँ, चार्ज तो दूंगा ही क्योंकि कैपेसिटर चार्ज रखेगा थोड़ा ना, अगर उसको रास्ता मिलेगा चार्ज निकलने का तो चार्ज तो बाहर निकलेगा, तो कैपेसिटर चार्ज देना चाहता है दूसरों को। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब वो चार्ज देगा तो सामने वाले की कैपेसिटी देख के देगा ना, अब पता लगे कि मेरे पास तो बहुत चार्ज है लेकिन लेने वाले की कैपेसिटी नहीं है, तो मेरे इतना चार्ज कहाँ से ले लेगा वो, चाहे मेरे साथ वो सीरीज में ही होगा तब भी नहीं ले पाएगा, ठीक है ना, याद है कि मेरी कैपेसिटी ज़्यादा है पर आपकी कैपेसिटी लेटर सपोज नहीं है ज़्यादा, तो फिर आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप ये मान लो कि सारा का सारा चार्ज इसके पास है, ये ना एक बैटरी की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसका कोई टर्मिनल होगा प्लस, इसका कोई टर्मिनल होगा माइनस, इनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, तो जैसे जब ये बैटरी के साथ दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं तो ये किस में माने जाएंगे, सीरीज में, लेकिन इसको सीरीज में इंक्लूड नहीं करना, बैटरी नहीं है, बैटरी की तरह मान लो, क्योंकि बैटरी भी तो चार्ज प्रोड्यूस करती है, हम बैटरी को तो नहीं कहते कि वो भी सीरीज में है, तो इसको छोड़ के बाकी दो कैपेसिटर्स किस में है, इन सीरीज है, ठीक है। आता पहला मेथड क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो कह रहा है कि इन दोनों को किस में मान लो, सीरीज में, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा लो, इसके पास चार्ज है, इनके पास कोई चार्ज नहीं है, पुराना क्वेश्चन बन गया, दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, फाइंड कॉमन पोटेंशियल वी, कॉमन पोटेंशियल से क्यू ई सी वी, क्यू ई सी वी से चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पुराना क्वेश्चन बन गया ना, अगर इन दो की जगह एक कैपेसिटर लगा ले तो इस क्वेश्चन में और जो अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था इनमें कोई फर्क ही नहीं है, तो सबसे पहले C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2 करके कॉमन पोटेंशियल निकाल के फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन उससे बेटर तरीका एक है मेरे पास जिसमें आप इतना सोच ना पाओ कि कॉमन पोटेंशियल भी होगा कौन करेगा, मेरे को तो एक ही मेथड चाहिए जिसे एक मिनट में आंसर आ जाए, वो मेथड है इसके ऊपर क्यू नॉट चार्ज है, इसने कुछ चार्ज इसको दे दिया, मान लो इसको कितना चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया, तो यहां पर कितना आ गया माइनस क्यू, सीरीज में है तो इसके ऊपर चार्ज भी क्या रहेगा क्यू एंड माइनस क्यू हो गया, इसका खुद का चार्ज जितना भी है, क्यू नॉट की वैल्यू साइड पर लिख रहा हूं 360 माइक्रो, जितना भी है उसमें से कुछ चार्ज क्या कर दो माइनस, क्यू नॉट में से इसने कितना चार्ज रिलीज कर दिया क्यू, इसके पास कितना आ गया क्यू, इसके पास कितना आ गया क्यू, इसके खुद के पास कितना रह गया क्यू नॉट माइनस क्यू, खुद तो कम करेगा, ठीक है यहां तक ये पॉइंट क्लियर है। तो इसके अंदर इस पॉइंट से किरचॉफ लॉ घुमा दो, लूप लॉ, लूप लॉ के अकॉर्डिंगली जब आप यहां से यहां आ रहे हो प्लस से माइनस पे आ रहे हो तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻⁶, जब आप फिर से प्लस से माइनस पे आ रहे हो तो माइनस सिक्स मीन्स माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻⁶, जब आप यहां माइनस से प्लस पे जा रहे हो तो प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁶ मस्ट बी इक्वल टू वॉट 0। किरचॉफ लॉ में लूप लॉ में क्या होता है, नेट सम पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ लूप लॉ लगा दिया या किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस का सम इक्वल टू 0। आपको इस क्वेश्चन में क्यू नॉट पता है, क्यू नॉट पता है आपको, क्या नहीं पता, सिर्फ क्यू नहीं पता, क्यू सॉल्व कर लो 180 आएगा। पहला मेथड भी ठीक है, ये भी ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्वेश्चन कैसे किया मैंने, कि इसके ऊपर जो भी चार्ज था क्यू नॉट उसमें से क्यू चार्ज रिलीज कर दिया तो इनको क्यू मिल गया, इसके बाद खुद क्यू नॉट माइनस क्यू हो गया, उसके बाद क्या लगा लिया प्लस माइनस के हिसाब से किरचॉफ लॉ लगा दिया।
ठीक है यहां तक, कोई डाउट है इसमें? ठीक, ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? चार्ज आ जाएगा। मान लो एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कह रहा है कि मान लो मैंने इस स्विच को फिर से ओपन कर दिया एक मिनट के लिए, ओपन करके इसका डाइलेक्ट्रिक बाहर निकाल दिया। डाइलेक्ट्रिक बाहर निकलते ही इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? 2/2, यानी कि कितनी? 1 हो गई। और वो डायलैक्ट्रिक इसमें डाल दिया तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? (2), यानी कि C2 की वैल्यू भी कितनी होगी? 6 माइक्रोफेरेड। इसकी कैपेसिटी कम कर दी, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, ठीक हो गया। डायलैक्ट्रिक स्लैब यहां से निकाल के यहां तो कैपेसिटेंस चेंज कर दी। कह रहे अब मैंने स्विच को फिर दबा दिया, अब बताओ नया चार्ज कितना हो गया सभी के ऊपर? मैंने सपोज करो, अब कह रहे हैं कि मैंने स्विच फिर दबा दिया, पहले इनके ऊपर इतना चार्ज है, इसके ऊपर इसका इतने, इसके ऊपर इतने, कैपेसिटी चेंज कर दी, अब नया चार्ज कितना होगा? ये क्वेश्चन है। अच्छा, फिर सेम करना है कैसे? ये देखो, ये चार्जेस तो ऑलरेडी है ही ना इसके ऊपर, तो लेट अस सपोज और चार्ज निकल गया Q-, तो यहां कितना हो गया? Q+Q-, यहां पर भी कितना हो गया? Q+Q-, यहां पे कितना है? Q0-Q-Q-, और चार्ज निकाल दिया। फिर किरचॉफ लॉ घुमा दो एक बार, प्लस से माइनस पे आ रहे हैं, तो -Q+Q- डिवाइडेड बाय, लेकिन अब कैपेसिटी कितनी लेंगे? नई कैपेसिटी लेंगे, 6 × 10⁻⁶, प्लस से माइनस पे आ रहे हैं तो माइनस में आएगा साइन, फिर माइनस यहां से प्लस से माइनस, प्लस से माइनस पे आ रहे हैं तो एक बार फिर से Q+Q- डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻⁶, फिर माइनस से प्लस पे आ रहे हैं तो +Q0-Q-Q- डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁶ मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0। फिर से किरचॉफ लॉ लगा दिया, ये चार्ज समझ में आ रहा है, और चार्ज निकाल दिया हमने, फिर किरचॉफ लॉ लगाया, फिर सॉल्व किया, Q-90 आएगा इसमें। तो मेथड समझ में आ रहा है कि वो कई बार स्विच घुमाएगा, स्विच ऑन कर दो, फिर ऑफ कर दो, फिर ऑन कर दो, फिर ऑफ कर दो, फिर बैटरी लगा दो, ऑन कर दो, ऑफ कर दो, जो मर्जी करता रहे। आप चार्ज को ऐसे किरचॉफ लॉ से सॉल्व करते रहना, आपका आंसर अपने आप आता रहेगा। ये टेक्निक थी, ठीक। एक आइडिया पता लग गया। स्विचिंग के और तरीके भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, कुछ शीट्स के अंदर भी, उसको हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट टाइम जब आएंगे। पर दी पॉइंट इज कि एक क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी स्विचिंग वाला हर क्वेश्चन अपने टाइप का होता है, और मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं आता स्विचिंग एक्शन इस टाइप से, नॉन मेडिकल में तो आ जाते हैं। तो बेसिकली मेडिकल वालों को तो एक सिंपल एक ही स्विच गिवन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दो के साथ तो मुझे मुश्किल है। या फिर वैसा क्वेश्चन आएगा जो शुरू में पूछा था मैंने, एक कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी हटा दी, फिर दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, फिर कॉमन पोटेंशियल से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन आए हुए हैं, बट आप सबको आइडिया हो गया कि कैसे करना है।